तो दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में ख्याल आता है कि मरने के बाद उनका क्या होगा, और कुछ लोगों का कहना है कि मरने के बाद वो ईश्वर के पास जाते हैं और जीवन में किए गए उनके पाप और पुण्य के हिसाब से उन्हें नरक भेजा जाता है या फिर स्वर्ग भेजा जाता है, और कुछ लोगों को पुनर्जन्म भी दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे कुछ फेमस और वास्तविक पुनर्जन्म की कहानियां बताने वाला हूं, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, इनका नाम है तोरण सिंह, जिन्होंने अपने मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया। तो जब तोरण सिंह 4 साल के थे, तो इन्होंने अपने माता पिता को बताया कि इनका नाम पिछले जन्म में सुरेश वर्मा था, जिसे कि सिर पे गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। इन्होंने ये भी बताया कि इनके वाइफ का नाम उमा था और इनके 2 बच्चे थे और ये आगरा में रहते थे, जो कि उत्तर प्रदेश का बहुत ही बड़ा शहर है, और वहाँ पे उनकी एक रेडियो की दुकान थी। तो इन्होंने बताया कि जब ये अपने रेडियो की दुकान से रात को वापस घर आए और घर का दरवाजा नॉक किया, तभी अचानक 2 लोग दौड़ते हुए उनकी ओर आते हैं और इनके सिर पे गोली मार के हत्या कर देते हैं। तो इन्होंने अपने पिछले जन्म की सारी बातें अपने इस जन्म के माता पिता को बताई। तो जो भी तोरण सिंह ने अपने पिछले लाइफ के बारे में अपने फैमिली को इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बेसिस पे इनके फैमिली ने सुरेश वर्मा की फैमिली को ढूंढ निकाला, जैसे कि आगरा में उनका रेडियो स्टोर, इनके पिछले जन्म की पत्नी उमा वर्मा, जो कि अभी एक विधवा थी। तो जो भी तोरण सिंह ने अपने पिछले जन्म के बारे में बताया था, वो सारे क्लेम सही निकले। तो जब विधवा औरत उमा वर्मा, जो कि सुरेश वर्मा की बीवी थी, उनसे पूछा गया कि उनके हस्बैंड की हत्या कैसे हुई थी, तो उन्होंने भी सेम स्टोरी सुनाई, लेकिन उमा वर्मा ने उस हत्यारे को नहीं देखा था जिन्होंने इसके हस्बैंड की हत्या की थी। लेकिन तोरण सिंह को सारी सच्चाई पता थी कि पिछले जन्म में इसकी हत्या किसने की है, और ये बात इन्होंने पुलिस को बताई, और बाद में पुलिस ने जब उस व्यक्ति से पूछताछ की, तो उस खूनी ने सारा जुर्म भी स्वीकार किया। और तो और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सुरेश वर्मा को सिर के जिस लोकेशन पे गोली मारी गई थी, तोरण सिंह के भी सर पे वहाँ पे एक गोली लगने का निशान है, जो कि इसे एज ए बर्थ मार्क मिला हुआ है। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसमें कि विक्टिम मरने के बाद पुनर्जन्म लेकर के अपने खूनी को सजा दिलवाने के लिए वापस आया। तो दोस्तों, पुनर्जन्म का दूसरा केस उत्तर प्रदेश के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का है, जहाँ पर कि एक 8 साल का बच्चा अपने पिछले जन्म के माता पिता के पास आता है और बोलता है कि मैं आपका वो मरा हुआ बेटा हूँ, जो कि दोबारा से जन्म लेके आया हूँ आपसे मिलने। तो दोस्तों, इनका नाम है चंद्रवीर संखवार, जो कि इनके पड़ोसी गांव नागला सलेही में रहने वाले प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के घर आते हैं और उनको अपना बेटा बताते हैं, जिसका नाम रोहित था, जिसकी मृत्यु झील में डूबने से हुई थी। तो एक्चुअली रोहित की मृत्यु झील में नहाते समय 2013 में हुई थी और चंद्रवीर संखवार उनका पुनर्जन्म था। तो सब इस बात को सुनकर सरप्राइज हो गए थे जब इन्होंने प्रमोद को अपना पिता, उषा देवी को अपनी माँ और कोमल को अपने पिछले जन्म की बहन बताया। और तो ये पिछले जन्म में रोहित के स्कूल प्रिंसिपल को भी सही से पहचान लेते हैं उनके नाम के साथ। तो यहाँ पे चंद्रवीर के वर्तमान समय के पिता बताते हैं कि चंद्रवीर बचपन से ही अपने पिछले जन्म के बारे में बताया करता था और वो हमेशा बोला करता था कि मुझे नागला सलेही गाँव ले चलो, जहाँ पर कि वो पिछले जन्म में रहता था। तो चंद्रवीर ने अपने पिछले जन्म के माता पिता को ढेर सारी कहानियां बताई जो कि सचमुच में हुई थी। तो इनके पिछले जन्म के माता पिता प्रमोद और उषा इनसे दोबारा मिलके बहुत खुश हुए, मींस उस बेटे से मिलके बहुत खुश हुए जो कि मर गया था। तो दोस्तों, इनसे मिलिए, इनका नाम है शांति देवी, जिनका जन्म 1926 में दिल्ली में हुआ था। तो जब ये 4 साल की थी, तो इन्होंने बताया कि इनका पुनर्जन्म हुआ है और पिछले जन्म में ये मथुरा में रहती थी, जो कि इनके वर्तमान जन्मभूमि से 145 किलोमीटर दूर है। इन्होंने बताया कि पिछले जन्म में इनका नाम लुगड़ी देवी था और इनके हस्बैंड का नाम केदारनाथ था। तो जब इन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो उसके 10 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने ये सारी बातें अपने वर्तमान समय के माता पिता से बताई और उन्हें अपने साथ मथुरा ले जाने को कहा, लेकिन इनके माता पिता ने इनकी बात नहीं मानी। तो जब ये 6 साल की हुई और स्कूल जाना चालू किया, तो इन्होंने ये सारी बातें अपने स्कूल के टीचर और हेडमास्टर को भी बताई। तब इनके स्कूल के हेडमास्टर ने इनके बताए गए पते के हिसाब से मथुरा गए, इनके पति से मिले, तो उन्होंने वो सारा चीज पाया जो शांति देवी ने उन्हें बताया था। जब केदारनाथ को सारी चीजें पता चली, तो वो अपने पिछले जन्म की वाइफ से मिलने दिल्ली भी आए और शांति देवी ने अपने हस्बैंड और बच्चे को देखते ही पहचान लिया। और दोस्तों, बाद में जब सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया गया, तो ये कहानी सच्ची पाई गई, मीन्स ये पुनर्जन्म की ही घटना थी। और अपने पिछले जन्म के हस्बैंड केदारनाथ से मिलने के बाद शांति देवी को ये भी पता चला कि इनके मरने के बाद केदारनाथ ने दूसरी शादी कर ली है, और बाद में शांति देवी ने अपने इस जन्म के माता पिता के साथ बिना शादी किए पूरा जीवन व्यतीत किया और 1987 में 61 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, अब इनसे मिलिए, इनका नाम है बीसन चंद, जिनका जन्म 1921 में बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो जब ये 10 महीने के थे, जिस समय एक छोटा बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, तो इन्होंने पीलीभीत वर्ड बोलना चालू किया, जो कि एक जगह का नाम है और वो बरेली से 50 किलोमीटर दूर था। तो इन्होंने बाद में अपने पिछले जन्म के बारे में बोलना चालू कर दिया, जहाँ पे पिछले जन्म में इनका नाम
लक्ष्मी नारायण था और इनका जन्म पीलीभीत में हुआ था। तो 1918 में जब लक्ष्मी नारायण 32 साल के थे तब फीवर से उनकी मौत हो जाती है, मीन्स बहुत तेज बुखार आने से उनकी मौत हो जाती है। तो बीसन चंद ने बहुत सारी चीजें रिवील की जो कि उनके पिछले जन्म के बारे में था, जैसे कि पिछले जन्म में उनके माता पिता का क्या नाम था, उनके दोस्तों का क्या नाम था। तो जब बीसन 5 साल के हुए तब उनके पिता और एक इन्वेस्टिगेटर उनके साथ पीलीभीत पहुंचे उनके पुनर्जन्म के क्लेम को वेरीफाई करने के लिए। तो उन्होंने पाया कि बीसन जो भी बोल रहे थे उनके सारे क्लेम सच्चे थे। उस शहर में वापस जाने के बाद बीसन वहाँ के घरों को, वहाँ की बिल्डिंग को अच्छे से पहचान गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिछले जन्म के पिता मिस लक्ष्मी नारायण के पिता को भी पहचान लिया। और तो इसने अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अपना कौशल भी दिखाया, जैसे कि तबला, हारमोनियम, जिसे कि इसने पहले कभी देखा ही नहीं था। लेकिन पिछले जन्म में लक्ष्मी नारायण को इन चीजों का बहुत शौक था। लक्ष्मी नारायण के माता ने भी इनसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे और इन्होंने उन सब का बिल्कुल सटीक जवाब दिया। और तो इन्होंने उस जगह के भी बारे में बताया जहाँ पे लक्ष्मी नारायण ने कुछ सोने के सिक्के रखे थे और ये सारी चीजें सच प्रूव हुई। तो दोस्तों ये थे पुनर्जन्म से रिलेटेड कुछ सच्ची कहानियां। आप इन कहानियों के बारे में डिटेल में गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हो। और आपका क्या विचार है पुनर्जन्म के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो प्लीज सबर कराए सर, आई वांट टू रीच 1 मिलियन। ओके, थैंक यू।